गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हम लोग मिक्स्ड सेंटेंसेस यानी मिश्रित वाक्य जिसमें विभिन्न बनावट वाले वाक्यों को एक साथ रखा गया है और वह भी ऐसे वाक्य जिनके अनुवाद करते समय विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रयोग करना पड़ता, सावधानी बरतनी पड़ती है, उसे एक चैप्टर के अंतर्गत संग्रहित कर दिया गया, कलेक्ट कर दिया गया। 196 196 नंबर पर है। वह सदा भनभनाती रहती है, वह सदा, ये आदत बन गई, भनभनाती रहती है, वह सदा भनभनाती रहती है। सी इज ऑलवेज मर्मरिंग, सी इज ऑलवेज मर्मरिंग। वह बराबर सिर खुजाता रहता है, ही इज कॉन्स्टेंटली स्क्रेचिंग हिज हेड, या ही इज कंटिन्यूली स्क्रेचिंग हिज हेड। वह बराबर सिर खुजलाता रहता है, ही इज कॉन्स्टेंटली स्क्रेचिंग हिज हेड, अथवा ही इज कंटिन्यूली स्क्रेचिंग हिज हेड। वह बंबई में रहता था, या वह बंबई में रहा करता था, वह बंबई में रहता था, या वह बंबई में रहा करता था, यह तो आदत हो गई, आदत व्यक्त करने वाली पास्ट टेंस में। ही यूज टू लिव इन बॉम्बे, ही यूज टू लिव इन बॉम्बे, वह बंबई में रहा करता था, ही यूज टू लिव इन बॉम्बे। वह मुझे नानी की कहानी कहती थी, या कहा करती थी, वह मुझे नानी की कहानी कहती थी, या कहानी कहा करती थी। He used to tell me cock and bull stories. He used to tell me cock and bull stories. वे अपनी पूरी आमदनी पीने में लगाते थे, या लगाया करते थे। वे अपनी पूरी आमदनी पीने में लगाते थे, या लगाया करते थे। They used to drink their whole income. वे अपनी पूरी आमदनी पीने में लगाते थे, या लगाया करते थे। They used to drink their whole income. They used to drink their whole income. वो पूरा आमदनी पी जाया करते थे। वह बंबई में नहीं रहा करता था, वह बंबई में नहीं रहा करता था, आदत का निगेटिव है। He used not to live in Bombay, या Bombay. He used not to live in Bombay. वह शराब नहीं पिया करते थे, वह शराब नहीं पिया करती थी। He used, she used not to drink. वह शराब नहीं पिया करती थी, she used not to drink. अब यह दोनों का ट्रांसलेशन जरा नीचे देखिए निगेटिव में। He did not used to live in Bombay. इसका he used not to live in Bombay को दूसरा ट्रांसलेशन है, He did not used to live in Bombay. और वह शराब नहीं पिया करती थी, She used not to drink का She did not used to drink. लेकिन नोट करके नीचे लिखा गया, लेकिन did not use का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में did not use का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। 199 वह मेरे यहाँ कभी कभी आता था, या आया करता था। वह मेरे यहाँ कभी कभी आता था, या आया करता था। He would often come to me. वह मेरे यहाँ कभी कभी, या प्रायः आया, ये कभी कभी आता था, या आया करता था। He would often come to me. वह बार बार, या प्रायः सिनेमा जाया करती थी। वह बार बार, या प्रायः सिनेमा जाया करती थी। She would frequently go to the picture. She would frequently go to the picture. ईश्वर तेरी मदद करे। यहां से नमूना बदल गया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कर दिया गया है। ईश्वर तेरी मदद करे, या आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। ईश्वर तेरी मदद करे, मे गॉड हेल्प
यू, वह शीघ्र मर जाए या श्राप हो गया अभिशाप, ऑप्टेटिव सेंटेंस में दोनों बातें आती हैं। आशीर्वाद भी आता है और श्राप भी आता है। तो मैं ही डाई सुन, ईश्वर करे वह शीघ्र मर जाए या वह शीघ्र मर जाए, यह एक अभिशाप हुआ तो मैं ही डाई सुन। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बताया ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दोनों तरह की बातें आती है, शुभकामना भी व्यक्त की जाती है और शुभकामना के साथ साथ अभिशाप भी आता है। जैसे पहले वाले वाक्य में ईश्वर तेरी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, और वहीं नीचे लिखा है वह शीघ्र मर जाए, यह तो अभिशाप हुआ, मे ही डाई सून, वह बर्बाद हो जाए, यह भी तो अभिशाप है, वह बर्बाद हो जाए, मे दे वे बर्बाद हो जाए, मे दे बी रुइंड, वे बर्बाद हो जाए, मे दे बी रुइंड, वे बर्बाद हो जाए, मे दे बी रुइंड, आप सफल हो, आप सफल हो, मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हो, मे यू बी सक्सेसफुल, आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी यात्रा सुखद हो, मे यू हैव ए प्लीजेंट जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो, मे यू हैव ए प्लीजेंट जर्नी। नया वर्ष मंगलमय, नया वर्ष मंगलमय हो, मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मंगलमय हो, मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। 201, मैं आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, मैं आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, आई विश यू ए लॉन्ग लाइफ, मैं आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, आई विश यू ए लॉन्ग लाइफ, मैं उसके लिए सुखी नए वर्ष की कामना करता हूं, मैं उसके लिए सुखी नए वर्ष की कामना करता हूं, आई विश हिम ए हैप्पी न्यू ईयर, या आई विश हर ए हैप्पी न्यू ईयर, मैं उसके लिए सुखी नए वर्ष की कामना करता हूं, आई विश हिम ए हैप्पी न्यू ईयर, या आई विश हर ए हैप्पी न्यू ईयर। आपकी सफलता आपके आपके लिए सफलता, यानी इसका ट्रांसलेशन जो है ऊपर जो आया है, आपकी सफलता या आपकी सफलता या आपके लिए सफलता का मतलब यू, ठीक, आपके मतलब यू, यह ऑब्जेक्ट है, और सफलता प्लस सक्सेस यह भी ऑब्जेक्ट है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ, आपकी सफलता यू ऑब्जेक्ट हुआ, धन सक्सेस ऑब्जेक्ट हुआ, उसके दीर्घ जीवन या उसके लिए दीर्घ जीवन, ते हिम या हर ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद लॉन्ग लाइफ ऑब्जेक्ट हुआ दीर्घ जीवन, ते हिम या हर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लॉन्ग लाइफ ऑब्जेक्ट। अब आइए 202 पर, मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, आई विश यू सक्सेस, आपको सफलता, मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, आई विश यू सक्सेस, आई विश यू सक्सेस, मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो, मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो, आई विश यू ए प्लीजेंट जर्नी, मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो, आई विश यू ए प्लीजेंट जर्नी। 203, मैं चाहता हूं कि वह किताब लिखे, मैं चाहता हूं कि वह
किताब लिखे। आई वॉन्ट या आई विश हिम टू राइट ए बुक, मैं चाहता हूं कि वह किताब लिखे। आई वॉन्ट हिम टू राइट ए बुक, वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं। वह चाहता है कि मैं शीघ्र लौटूं। He wants me to return soon. He wants me to return soon. तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न बनावट वाले, विभिन्न भाव वाले वाक्यों को एक साथ रखा गया है ताकि आप आसानी से विभिन्न बनावट वाले वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करें। अब इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और अपने दैनिक जीवन के बातचीत के अंतर्गत या लेखन शैली के अंतर्गत उनका प्रयोग कीजिए। जैसे जैसे आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे आप अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत कुशल होते चले जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी खड़ी होती है तो ये मोबाइल नंबर ऊपर दिया है 81-1530-220 अथवा 99-35-83-96-83 पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान उसे करा सकते हैं। और इसके अलावा अन्य कोई बेसिक से लगाए तो इंटरमीडिएट तक कोई ग्रामर का टॉपिक अथवा ट्रांसलेशन का टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए चैनल पर टाइप कीजिए। मान लीजिए एक्टिव पैसिव पढ़ना आता है, एक्टिव पैसिव बाय केडी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग टाइप कीजिए, सारे वीडियोज आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे, उन्हें देखिए समझिए। और अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। थैंक यू।